दोस्तों ये रहा हमारे पास यहाँ पे मोटो E13 और आज के वीडियो में हम जो है इस फोन का बैंड टेस्ट करके देखने वाले हैं और देखने वाला है कि ये जो फोन है वो हमारा बैंड टेस्ट सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम अपने फोन को जो है बॉक्स के बॉक्स से जो बाहर निकाल लेते हैं। जो हमने बॉक्स को ओपन करा ये रहा हमारे यहाँ पे फोन, और हमें फोन के अलावा बॉक्स से और कुछ नहीं चाहिए, तो हम फोन को रखते हैं अभी साइड में, ऐसे ही बंद करके रखते हैं साइड में। और ये रहा हमारा फोन जिसकी कंडीशन कुछ बैक साइड से कुछ इस तरह की है और फ्रंट साइड से तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंडीशन है यहाँ पे। एक्चुअली मेरे को पता ही होगा ऐसे क्यों हुई है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो पिछले ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहा है, ड्रॉप टेस्ट कर रहा है, एक्सट्रीम ड्रॉप टेस्ट, उसमें जरा इसकी हालत यहाँ पे कुछ इस तरह की हो चुकी है, पर फिर भी इसके इंटरनल कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगा कि हमारा जो फोन है वो पिछले वीडियो में कंप्लीट डेड हो चुका था, पर ऐसा नहीं था क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा इसका पावर बटन दबा के रखा और यहाँ पे जो इसकी लाइट यहाँ पे जग रही थी, अभी नहीं जग रही है, कभी 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 नहीं जग रही है, लेकिन इससे ये पता लग गया है कि हमारा फोन कंप्लीटली डेड नहीं हुआ है। इसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, पर खैर कोई बात नहीं। आज की वीडियो में हम इसका बैंड टेस्ट करके देखने वाले हैं, तो इसका बैंड टेस्ट करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम कमजोर लगाएंगे, फिर थोड़ा ज्यादा जोर लगा के देखेंगे, पहले कमजोर लगे इसको बैंड करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि बैंड होता है इजिली कि नहीं होता। तो अभी मैं कमजोर लगा रहा हूँ इस टाइम, तो हल्का सा यहाँ पे जो है बैंड तो आ गया है, लेकिन फिर दोबारा से वैसे ही नॉर्मल हो चुका है। और बैक साइड को करके देखें, अगर तो बैक साइड को भी वही बात है, हल्का सा बैंड आ रहा है पर फिर दोबारा वैसे ही नॉर्मल हो रहा है। अब थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बैंड होता है। मतलब मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा, इस तरीके जितना जोर लगा पाऊंगा मैं, इस तरह उतना पूरा जोर लगा के देखूंगा मैं। तो अब करता हूँ, मतलब जलाता हूँ जोर, फोन तो नहीं बैंड हुआ पर यहाँ जो डिस्प्ले है वो यहाँ से जो है और ज़्यादा क्रैक्स हो चुकी हैं। मतलब मुझे दिख रहा था, मैं बैंड कर रहा था उस टाइम, मुझे दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे धीरे धीरे करके क्रैक्स आ रहे हैं और यहाँ पे सारे में क्रैक्स आ चुके हैं। अभी जो ये जो क्रैक्स दिख रहे हैं छोटे छोटे से, आपको पता नहीं दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे, तो मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे सामने अभी भी आए हैं क्रैक्स। तो फ्रंट साइड में हल्का सा फ़ोन जो है हमारे यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है बैंड भी हो चुका है, मैं देखते हैं कि हल्का सा बैंड भी यहाँ पे हो चुका है हमारा फ़ोन। तो अब क्या करते हैं, फ्रंट साइड को क्या देख लिया, बैक साइड को क्या देखते हैं। अब मैंने इसमें पूरा जोर लगा दिया, अपना जितना जोर मैं लगा सकता था, और उसके बावजूद भी हमारा फ़ोन दोबारा से हल्का सा बैंड जो हुआ था हमारा फ़ोन वो दोबारा यहाँ पे सीधा हो चुका, हल्का पीछे को ही बैंड हो गया वैसे तो। पर हाँ, बिल्ड क्वालिटी से काफ़ी अच्छी है, इतने इजीली बैंड नहीं होने वाला। आप चाहे अपना पूरा जोर लगा दो इस तरीके जैसे मैंने लगाया अभी, लेकिन ये फ़ोन बैंड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कंडीशन कितनी, किस तरह की कंडीशन हो चुकी है हमारे फ़ोन की। खैर एक डिस्प्ले तो खैर पहले टूटी हुई थी, मतलब फ़ोन तो पहले टूटा हुआ था, लेकिन फ़ोन जो है ईजिली बैंड नहीं हो रहा है। तो अब नॉर्मली जो इजीली इस तरह से तो इजीली बैंड नहीं हो रहा है, जो हमारा अब नॉर्मल जो तरीका है जो हम यूज़ करते हैं सारे फ़ोन को बैंड करने के लिए, इसमें हम पूरा वजन इसके ऊपर दे देते हैं फ़ोन के ऊपर, अब उस तरीके से इसको बैंड करके देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल तरीके से तो कोई चांस ही नहीं है कि बैंड हो जाए, क्योंकि इतना बेकार बिल्ड हुआ इसकी है नहीं। यहाँ सारे में ग्लासेस वगैरह हो चुके हैं, इसको थोड़ा साइड करता हूँ मैं, और अब करते हैं इस तरीके से, यहाँ से मैं इसको जो है इसका सपोर्ट दूंगा और बीच में हमारा इसका गैप है, और यहाँ मैं इसको पूरा वजन दे दूंगा अपना इसके ऊपर, फिर देखते हैं कि बैंड होता है कि नहीं होता। तो करते हैं स्टार्ट अप, इस तरीके से मुझे काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, तब कहीं जाके हमारा फ़ोन यहाँ पे जो है बैंड हो गया है। और देखिए किस तरह से बैंड हो गया हमारा फ़ोन, कम्प्लीटली पूरा बैंड हो चुका है। और बैक साइड देखे तो हमारे जो बैक की जो मतलब बैक कवर है वो यहाँ से जो क्रैक हो चुका है, जो कैमरे वाला के ऊपर पार्ट है वो क्रैक हो चुका है, और नीचे का कवर जो अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से हमारी बैटरी भी अंदर की दिखाई दे रही है, बाकी कंपोनेंट्स तो आपको यहाँ के दिख ही रहे हैं किस तरह के कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं, मतलब बाकी इतना भी नहीं दिखा, पर हाँ बस ये जो बैक कवर के जो यहाँ का ग्लू है वो निकल चुका है और यहाँ से इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है। अब जो है हमने फ्रंट साइड कर दिया, अब बैक साइड को भी इस तरह करके देखते हैं। अगर ओ यार यहाँ पे जो शीशे के जो ग्लासेज हम लोग की डिस्प्ले ग्लासेज हैं वो चुभ रहे हैं मेरे इस टाइम, यार मुझे ग्लव्स वगैरह पहनने चाहिए थे, तो खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो है पीछे को भी यहाँ पे बैंड हो चुका है हमारा फ़ोन, और यहाँ देखिए जरा यहाँ पे सारे पे जो इस टाइम ग्लासेस हो चुके हैं जो मेरे हाथ में इस टाइम घुस सकते हैं, इसलिए मैं पहले ही साइड कर देता हूँ इसको, क्योंकि अभी मैंने बैंड भी करना है और इस वजह से। तो ऊपर वाली साइड से तो बैंड हो चुका है, अब देखते हैं कि इसकी नीचे वाली साइड से बैंड होता है कि नहीं होता। तो अब नीचे वाली साइड से बैंड करके देखते हैं इसको इसी तरीके से ही जैसे मैं करता हूँ, मैं जैसे ऊपर वाली साइड से करा, नहीं नीचे वाला साइड से इस तरह बैंड नहीं हो रहा है। और इस साइड से करके देखिए अगर तो डिस्प्ले की साइड को, नहीं यार नीचे वाले साइड से बैंड नहीं हो रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे फ़ोन की यहाँ पे हालत कुछ इस तरह की हो चुकी है, और यहाँ पे जो बैंड जो है इस तरह से मतलब ऊपर से बैंड हो चुका है,
बीच वाला हिस्सा तो बैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि वहाँ बैटरी होती है, ऊपर से बैंड होता है मैक्सिमम टाइम या नीचे से, बीच से बहुत रेयरली ही बैंड होता है कोई कोई फ़ोन ही। तो ये फ़ोन ऊपर से यहाँ बैंड हो चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बाद बैंड हुआ है, इतना ईजिली तो ये भी बैंड नहीं हुआ है। तो मतलब बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इतना ईजिली आपका फ़ोन बिल्कुल भी बैंड नहीं होने वाला, काफ़ी ज़्यादा जोर लगा के मतलब ज़बरदस्ती बैंड करेंगे तभी बैंड होगा, नॉर्मली इतना ईजिली बैंड नहीं होने वाला। ज़बरदस्ती मतलब कि अपना पूरा वेट देंगे तब कहीं जाके, पूरा जोर लगाने पे भी जैसे इस तरीके से बैंड करेंगे तब तो बैंड नहीं होने वाला, लेकिन हाँ पूरा वजन दे देंगे ज़बरदस्ती करके तब ये बैंड हो सकता है। बाकी आखिरी बार देखते हैं हमारे फ़ोन की यहाँ पे कुछ इस तरह की यहाँ कंडीशन हो चुकी है, फ्रंट साइड कुछ इस तरह से, साइड से यहाँ पे कुछ इस तरह दिख रहा है, और इस साइड से यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, और बैक साइड देखें तो बैक साइड से भी आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप ये कंप्लीटली इस कंडीशन देख सकते हैं कि बैंड टेस्ट के बाद फिर क्या कंडीशन हो गई है। तो दोस्तों फिर बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर कोई वीडियो पसंद आई इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरे सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।